स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन. द टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज वीडियोज़ इन मल्टीमीडिया. जैसे कि आपको बताया गया था, मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टेक्निक्स का, जिसमें कि हम इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट असेंबल करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं यूज़र के लिए. स्टूडेंट्स, हमारे पास में वीडियो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअल डिस्क्रिप्शन है. आप कह सकते हैं एक ये वीडियो यूनिट है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन यूज़र के सामने विजुअली प्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत टाइप्स के, आप कह सकते हैं, एस्पेक्ट्स हैं वीडियो के, जिनका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है किसी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन पर, जिसमें हमारे पास में एनालॉग वीडियोस आते हैं, हमारे पास में डिजिटल वीडियो आते हैं, हमारे पास में वीडियो डिस्प्ले इंटरफेसेस होते हैं, जैसे एलईडी है, एलसीडी है, सीआरटी मॉनिटर्स हैं, हमारे पास में थ्री डायमेंशनल वीडियोस होते हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट एनालॉग वीडियोस. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं, मीन्स इनमें हमारे पास में फ्लक्चुएशन आता रहता है. यहाँ पर स्टैटिक सिग्नल नहीं होता है, कहीं पे सिग्नल अप होगा, कहीं पे सिग्नल क्या होगा, डाउन होगा. जैसे कि हम इसका अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करें टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन आते रहते हैं एनालॉग सिग्नल्स में. बट यहाँ पर एक बात आपको देखनी है कि ये आपके कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सिग्नल बीच में ब्रेक हो रहा है, नहीं, ये आपके कंटिन्यूस सिग्नल होंगे जो कि टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करते रहेंगे और इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता रहेगा. हम ये कह सकते हैं एनालॉग वीडियो इज रिप्रेजेंटेड एज ए कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल. डिजिटल वीडियो की अगर हम बात करें, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए सिक्वेंस ऑफ डिजिटल इमेजेस. डिजिटल वीडियो में हमारे पास में डिजिटल इमेजेस के सिक्वेंस होते हैं. स्टूडेंट्स, इन एनालॉग सिग्नल, वंस द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिसीव्ड, वी मे अज्यूम डैट ब्राइटनेस इज एटलीस्ट ए मोनोटोनिक फंक्शन ऑफ वोल्टेज. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया गया कि जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, इसमें जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिसीव होता है तो इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो डिपेंड करती है कि सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है. सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो आपकी ब्राइटनेस आपको क्या मिलेगी, ब्राइटर मिलेगी. ब्राइटनेस क्या होगी, अच्छी होगी. सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्राइटनेस क्या है, कम है. एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में लीनियर इमेज आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे हम गामा करेक्शन करते हैं एनालॉग वीडियोज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे, एन एनालॉग सिग्नल सैम्पल से टाइम वेरिंग इमेज. एनालॉग सिग्नल जो होता है वो आपको टाइम वेरिंग इमेज देता है, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्कैनिंग ट्रेसेस थ्रू ए कंप्लीट पिक्चर ए फ्रेम रो वाइज फॉर ईच टाइम इंटरवल. इसलिए इसको प्रोग्रेसिव स्कैनिंग भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव सिग्नल इमेज भी कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास में एक कंप्लीट पिक्चर तब बनती है, जैसे कि आपको पता है जो फ्रेम होता है, एक पर्टिकुलर जो फ्रेम होता है वो डिपेंड करता है किसी भी पिक्चर के कंप्लीशन पर. तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होता है वो आप रो वाइज लेते हैं. हम यहाँ पे कॉलम्स को भी कैलकुलेट करेंगे, रोज को भी कैलकुलेट करेंगे. आप देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें एक हाई रिजोल्यूशन की बात करें, हमारे पास में हाई रिजोल्यूशन मॉनिटर है, तो वहाँ पर जो टाइम इंटरवल होता है वो एनालॉग सिग्नल्स का 1/72 सेकेंड्स होता है, यानी 72 सेकंड्स का एक पार्ट. स्टूडेंट्स, कहीं कहीं पर जो हमारे पास में मल्टीमीडिया स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें हम इंटरलेस्ड स्कैनिंग का यूज़ करते हैं. जैसे कि हम आपको बताएं सीआरटी मॉनिटर, आपने सीआरटी मॉनिटर्स के बारे में स्टडी किया होगा कि इसमें जो बीम होती है वो किसी, जो भी आपकी सरफेस है जो कि कोटेड है, आपकी फॉस्फोरस कोटिंग होती है, वहाँ पर आके इमेजेस फॉर्म होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू. तो जो हमारी इंटरलेस्ड रास्टर स्कैन मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि हम ऑड नंबर ऑफ रोज और इवन नंबर ऑफ रोज जो होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले ऑड इवन, जो भी हमारा फ्रेम बनेगा वो ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन होगा. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है,
पी क्यू आर एस, जो यहाँ पे डार्क स्ट्रेट लाइंस हैं वो आपका ऑड लाइंस को शो कर रही हैं, और जो आपकी डैशेस वाली जो लाइन है वो आपकी इवन नंबर ऑफ लाइंस को शो कर रही हैं। तो यहाँ पे वन ऑड वन इवन, वन ऑड वन इवन मिला के एक पर्टिकुलर फ्रेम बनता है। आप देखेंगे कि जो हमारे पास में ऑड है पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, और जो हमारे पास में इवन है वो आपका यू से लेके वी तक फिनिश हो, ये आपका इंटरलेस्ड रास्टर स्कैन कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताया गया कि जो ये जो हमारी क्या है इंटरलेस्ड स्कैनिंग है, इसमें हम ऑड नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करते हैं, इवन नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी इंटरलेस्ड स्कैनिंग होती है, इन दिस ऑड नंबर्ड लाइंस आर ट्रेस फर्स्ट देन द इवन नंबर लाइंस। सबसे पहले ऑड नंबर की जो लाइन होती हैं उनको ट्रेस किया जाता है, उसके बाद में इवन नंबर की लाइन को ट्रेस किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास में फील्ड्स होती हैं, टू फील्ड्स मेक अप वन फ्रेम, यहाँ पे दो फील्ड मिलके एक फ्रेम बनाती हैं। एक ऑड लाइन और एक इवन लाइन मिलकर कोऑर्डिनेशन में एक फील्ड बनाएगी। स्टूडेंट्स इन दिस हम ये कह सकते हैं जो हमारी स्कैन लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स मूव करते हैं ओवर द टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया सीआरटी मॉनिटर्स। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है कि जो हमारी सबसे पहले हमने क्या किया, ऑड नंबर ऑफ लाइन को ट्रेस किया, फिर इवन नंबर ऑफ लाइन को ट्रेस किया, इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। इट मींस जो लाइन है वो मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम कैथोड रे ट्यूब की बात करें, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले होता है वो फ्लोरोसेंट लाइट की हेल्प से बनता है, और यहाँ पर हम फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। जो फ्लैशिंग जो होती है वो 50 टू 70 टाइम पर सेकंड के हिसाब से होती है, जिससे कि हमारी इमेज जो है वो स्मूथ बने, इस इमेज हमारे लिए ब्राइटर और क्लियर इमेज हमारे पास में आए अगर हम वीडियो एनालॉग सिग्नल की हेल्प से बना रहे हैं। स्टूडेंट्स जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो हमारे वन डायमेंशनल होते हैं। इट इज़ सिंपली अ सिग्नल डेट वेरीज विद टाइम। ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि आपके टाइम के साथ वेरी करते रहते हैं। स्टूडेंट्स इसमें हम बहुत सारे वीडियोस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं NTSC वीडियोस। देखिए सारे जो हैं वो आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई वीडियो मेकिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कैमरास, तो वहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे एस्पेक्ट रेशो आपको देखने को मिलते हैं। एस्पेक्ट रेशो मीन्स स्क्रीन साइज। आपने देखा होगा 16:9 का रेशो होता है, 4:3 का रेशो होता है, 6:9 का रेशो होता है। तो ये जो रेशो होते हैं ये आपको ये दिखाते हैं कि कितनी हमारे पास में स्कैन्स लाइन पर फ्रेम में आएंगी और कितने फ्रेम्स हम एक सेकेंड में बनाएंगे। स्टूडेंट्स NTSC वीडियोज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो हमारे वीडियो होते हैं इसमें 4:3 का एस्पेक्ट रेशो होता है, और इसमें 525 स्कैन लाइंस पर फ्रेम होता है, और 30 FPS का वीडियो बनता है, मींस 30 फ्रेम पर सेकंड का इसमें आपका वीडियो बनता है। स्टूडेंट्स अगर हम मोर एग्जैक्टली इसकी बात करें, तो कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं जहां पर आपको NTSC वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट 29.97 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से मिलेगा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें 33.37 पर फ्रेम्स होते हैं। जो हमारे NTSC वीडियोस होते हैं वो हमारा इंटरलेस्ड स्कैनिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जितने भी फ्रेम्स होते हैं उनको टू फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मेरे पास में 525 स्कैनिंग लाइंस हैं, तो 262.5 लाइंस पर फील्ड होंगी। पर फील्ड की हम यहाँ पे बात करें, तो 262.5 जो हैं वो हमारे पास में ऑड लाइंस होंगी, 262.5 हमारे पास में इवन लाइंस होंगी। तो पहले ऑड लाइंस को ट्रेस किया जाएगा, बाद में इवन लाइंस को ट्रेस किया जाएगा, और एक इवन और एक ऑड लाइन मिलके एक फ्रेम यहाँ पे क्रिएट
करेंगी। स्टूडेंट्स, जो हमारे NTSC वीडियोस होते हैं वो आप कह सकते हैं इसमें एनालॉग सिग्नल का तो यूज़ होगा ही होगा, लेकिन बट यहाँ पे कोई फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन नहीं होता है। मींस कहीं ना कहीं आपको पिक्चर की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी आपको उसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं PAL वीडियोस का। देखिए, जो हमारे PAL वीडियोस होते हैं वो फेज अल्टरनेटिंग लाइंस कहलाते हैं। PAL की जो फुल फॉर्म है डेट इज़ फेज अल्टरनेटिंग लाइन। आपने देखा होगा जो हमारे TV के स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो PAL वीडियोस थे इनको इन्वेंट किया था जर्मन साइंटिस्ट ने। जैसे जैसे स्कैनिंग लाइंस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, पिक्चर की क्वालिटी आपकी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 625 स्कैन लाइंस होती हैं एक फ्रेम में, जिसको कि आप डेवलप करते हैं 25 फ्रेम पर सेकंड, और इसका जो एस्पेक्ट रेशो होता है वो होता है 4:3, और ये जो हमारी क्या होती है इंटरलेस्ड फील्ड होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी PAL वीडियोस होते हैं वो आपके YUV कलर मॉडल पे वर्क करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में 8 MHz चैनल होता है। इसकी अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो इसमें जो एलोकेशन होता है बैंडविड्थ का वो आपका 5.5 MHz है। स्टूडेंट्स, इनका जो रिजोल्यूशन है वो आपका NTSC वीडियोस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जैसा कि आपको बताया गया कि जो हमारे पास में NTSC वीडियोस होते हैं उनमें हमारे पास में 525 लाइंस पर फ्रेम में होती हैं, और जो हमारे PAL वीडियोस होते हैं इनमें हमारे पास में 625 लाइंस पर फ्रेम होती हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास में लाइंस पर फ्रेम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे रिजोल्यूशन भी इसका इंक्रीज़ होता जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में आते हैं SECAM वीडियोस। ये जो वीडियोस थे ये आपके इन्वेंट किए थे फ्रेंच ने, और ये हमारा एक थर्ड मेजर ब्रॉडकास्ट TV स्टैंडर्ड है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकियो कोलरो एविक मेमोरी, इसमें 625 स्कैनिंग लाइंस का यूज़ होता है, जिसको कि 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से बनाया जाता है। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो 4:3 है, ये भी हमारे इंटरलेस्ड फील्ड होती हैं, मींस इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो SECAM वीडियोस हैं वो हमारे PAL वीडियोस के सिमिलर होते हैं, और ये थोड़ा सा स्लाइटली आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर आता है इन कंपैरिजन टू PAL वीडियो। स्टूडेंट, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।